इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गृह मंत्री अमित शाह का ममता पर हमला, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस किया। शाह ने कहा, लोगों ने मां माटी मानुष सरकार के लिए टीएमसी को दिया वोट, लेकिन हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ा। शाह ने कहा, बंगाल में कटमनी कल्चर और सिंडिकेट राज्य खत्म होगा, ये चुनाव सोनार बांग्ला की नींव रखेगा। अमित शाह ने कहा, 10 साल के शासन में ममता सरकार बंगाल को पाताल तक नीचे ले गई। ममता की चोट पर भी शाह का तंज, कहा, आपकी राजनीति हिंसा ने मेरे 130 कार्यकर्ताओं की जान ली, उसका दर्द जानती है। शाह ने कहा, मोदी सरकार ने 10 साल में दीदी के शासन में 115 से ज्यादा योजनाएं पहुंचाई, लेकिन टीएमसी ने आप तक नहीं पहुंचने दिया लाभ। गृह मंत्री ने उठाया अम्फान तूफान में भेजे गए मदद का मुद्दा, बोले, जो मदद भेजी थी उसे टीएमसी के गुंडे खा गए। शाह का झारग्राम की जनता से वादा, बोले, बीजेपी की सरकार बनने के बाद बनाएंगे पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी विश्वविद्यालय। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा, प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है, देश को नहीं चला सकते। जनसभा के दौरान ममता ने लगवाए खेला होबे, देखा होबे, जीता होबे के नारे, बोली, बीजेपी की विदाई तय। ममता ने कहा, हमारी लड़ाई बीजेपी को हटाने और देश बचाने की है, बंगाल से कर रहे हैं शुरुआत। ममता ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा, केंद्र से निरंकुश शासन है, किसी को बात रखने और विचार रखने का नहीं है अधिकार। ममता ने बीजेपी सांसदों पर भी साधा निशाना, कहा, जीत के बाद राज्य के लिए नहीं किया काम, अगर वो जीते तो झूठ फैलाएंगे और दंगे करवाएंगे। ममता ने कहा, जब तक जिंदा हूं चलती रहेगी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई, नहीं मन कर सकते मेरी आवाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बंगाल की जनता से वादा, बोले, डबल इंजन लगने के बाद होगा बहुत विकास। पूर्वी मिदनापुर में बोले गडकरी, कहा, नंदीग्राम में बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग लाने की बातें चल रही हैं, लेकिन ममता सरकार ने भगा दिया। ममता की पार्टी में विधायकों की नाराजगी जारी, टिकट ना मिलने से नाराज विधायक देवाश्री रॉय ने पार्टी से इस्तीफा दिया। हल्दिया नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्यामल कुमार, स्वप्नदास और सुप्रिया मैती बीजेपी में शामिल। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ने बंगाल की 20 सीटों पर नाम किया ऐलान। मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर किया अटैक, बोली, बंगाल के लोगों ने लिया फैसला, टीएमसी भगाओ, बीजेपी लाओ, बंगाल बचाओ। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला, कहा, दीदी ने गरीबों महिलाओं के सम्मान के साथ खेल किया। बीजेपी ने नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर का दरवाजा खटखटाया, ममता बनर्जी का नामांकन रद्द करने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर एफिडेविट में 6 FIR छिपाने का लगाया आरोप, कहा, ममता बनर्जी की नींव झूठ पर आधारित है, ममता झूठी है। यशवंत सिन्हा बने तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी बने यशवंत, हाल ही में बने हैं टीएमसी सदस्य। बंगाल के 924 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। कांग्रेस नेता शक्ति गोहिल का आरोप, धनबल से कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं को तोड़ रही है बीजेपी। शक्ति गोहिल का बीजेपी पर तंज, कहा, सोना नहीं मिला तो कचरे के सहारे बीजेपी। 17 मार्च को बीजेपी की संसदीय पार्टी की बैठक, संसद में बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मंगलवार को बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पुरुलिया से सीएम योगी प्रचार की शुरुआत करेंगे, दोपहर में बांकुरा और दोपहर बाद मिदनापुर की जनसभा में होंगे शामिल। असम के सोनितपुर में कांग्रेस पर जेपी नड्डा का निशाना, कहा, ये गारंटी है अगर यहां कांग्रेस आएगी तो घोटाला ही करेगी। नड्डा का हमला, कांग्रेस का मिशन है कमीशन, अटकाना, लटकाना और भटकना। जेपी नड्डा ने कहा, हम कांग्रेस शब्द के नहीं इसकी नीतियों के खिलाफ है। नड्डा ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल के कामों की तारीफ की, बोले, बीजेपी सरकार के 60 महीने कांग्रेस के 60 साल पर भारी। गुवाहाटी में अमित शाह ने कहा, असम में बदरुद्दीन अजमल और केरल में मुस्लिम लीग से साथ बैठी है कांग्रेस। शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, घुसपैठ नहीं रोक पाने वाली पार्टी असम की अस्मिता का क्या खाक बचा पाएगी। असम के गोहपुर में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, कहा, बीजेपी के सत्ता में आने से पहले नॉर्थ ईस्ट के साथ होता था भेदभाव। राजनाथ सिंह ने कहा, पहले की सरकारें प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका की कर रही थी अनदेखी, मोदी सरकार ने दिया भारत रत्न। असम में शिवराज का हमला, कहा, कांग्रेस गांधी के रास्ते पर नहीं जिन्ना के रास्ते पर चल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के विजन पर उठाए सवाल, कहा, असम में अजमल, केरल में मुस्लिम लीग और बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ है खड़ी। फिशरीज मंत्रालय की मांग पर बोले शिवराज, राहुल गांधी की ट्यूबलाइट देर से जलती है। शिवराज ने कहा, कांग्रेस केवल सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी की पार्टी रह गई है। एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने भी कोविल पट्टी से दाखिल किया नामांकन। एमएनएम चीफ कमल हसन ने कोयम्बटूर दक्षिण से भरा पर्चा, 6 अप्रैल को होगा चुनाव। तमिलनाडु के सीएम ई पलानी सामी ने दाखिल किया अपना नामांकन, इड्डापड्डी सीट से है उम्मीदवार। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने कोलाथुर से दाखिल किया नामांकन। नामांकन दाखिल करने के बाद स्टालिन का शक्ति प्रदर्शन, कोलाथुर में किया रोड शो। केरल के सीएम पी विजयन ने भरा पर्चा,
धर्मदम सीट से लड़ेंगे चुनाव, 6 अप्रैल को मतदान। कांचीपुरम में एमएनएम चीफ और एक्टर कमल हासन की कार पर हमला, कार्यकर्ताओं ने हमलावर की जमकर की पिटाई। और केरल में कांग्रेस ने कसी कमर, चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी, कोटायम में आज चुनाव ऑफिस का किया उद्घाटन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।